happy Sunday and happy summer vacations to all the mothers. Hello everyone. A very good morning to all of you. It's a very pleasant Sunday morning today. आज संडे है और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं, समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो आज मेरे पास भरपूर टाइम था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का एपिसोड हम किड्स की स्पेशल मील प्लानिंग को डेडिकेट करें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है. आज हम सब पेरेंट्स और विशेषकर हम मदर्स, माओं के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम अपने बच्चों को सब्जियों और फ्रूट्स को खाने के लिए किस तरह मोटिवेट करें. तो आज का ये एपिसोड खास इसी चीज़ पे डेडिकेटेड है कि हम अपने बच्चों को सब्जियां खिलाना और फ्रूट्स खिलाना किस तरह से खाएं. तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबके साथ कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे आप अपने बच्चों को सब्जियाँ और फ्रूट्स खिला सकें. टिप नंबर 1, बच्चों को खाने के लिए कभी भी फोर्स मत करिए, बल्कि उनको प्यार से समझाइए. उनको समझाइए कि सब्जी और फ्रूट्स खाने से उनके लिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा, और ना कि उनको फोर्सफुल ईटिंग करवाइए. अगर आप बच्चों को फोर्सफुल ईटिंग कराएंगे तो खाने का टाइम उनके लिए एक हैप्पी आर ना बनके एक सजा के जैसे लगेगा, जिससे वो हमेशा दूर भागना चाहेंगे. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सब्जी और फ्रूट्स खाएँ, तो उनको उसकी इम्पॉर्टेंस ज़रूर समझाइए. टिप नंबर 2, हमेशा याद रखिए कि बच्चे आपको सुनकर बहुत कम सीखते हैं, लेकिन आपको देखकर, आपको फॉलो करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं. हमेशा आपका अनुसरण करते हैं, इसीलिए आपको हमेशा उनका रोल मॉडल बन के रहना पड़ेगा. इसीलिए अगर आप स्वयं ही सब्जी और फ्रूट्स खाने से कतराते हैं, तो बच्चों से बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखिए कि वो सब्जियाँ और फ्रूट्स खाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे. इसलिए आपको उनको रोल मॉडल बनना पड़ेगा और स्वयं सबसे पहले अच्छे से सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स खाने की कोशिश करनी पड़ेगी. टिप नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. एक बार जब हमने बच्चों को सब्जी और फ्रूट्स खाने का इंपॉर्टेंस समझा दिया, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, पौष्टिकता समझा दी है, तो ज़रूरी है कि हम उनको बदल बदल कर रंग बिरंगे आइटम्स दें, जिसमें बहुत सारे तरीके से हम सब्जियों को और फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करें. तो आज का ये पूरे एपिसोड में हम कुछ चंद डिशेज़ देखेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ लंच, कुछ स्नैक रेसिपीज़, जिनमें हम सब्जियों और फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे खुशी खुशी ये सब्जी और फ्रूट्स खा सकें. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. सुबह की शुरुआत करी मैंने एक हेल्दी फ्रूट शेक के साथ, जिसको मैंने आम और बनाना से बनाया. आम तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद आता है और रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है, और बनाना में रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. ये गया दूध और चाहे तो शक्कर, एंड देन ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड, और लीजिए तैयार है हमारा हेल्दी फ्रूट शेक, जिसको कि मैंने खजूर के साथ गार्निश किया और बच्चों को दिया भीगे हुए बादाम, अखरोट और खजूर के साथ. अ हेल्दी स्टार्ट टू अ डे. इसके बाद मैं बनाई बेसन का चीला, जिसमें मैंने सिर्फ नमक डाला, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था इसलिए इसको ब्लैंड बनाना ही प्रेफर करा. बेसन का चीला, अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, इतना पतला होना चाहिए है. इसको फिर मैंने नॉन स्टिक तवे पर मुश्किल से 6 से 8 बूंदों की तेल की मदद से इस चीले को बनाया. जब चीला दोनों तरफ से पक जाए, तो इसमें इच्छा अनुसार वेजिटेबल्स की फिलिंग्स डाल सकते हैं. यहाँ पर इस बेसन के चीले में मैंने ऐड करी पतली स्ट्रिप्स गाजर की और ढेर सारा पनीर, और इसको गार्निश किया फिर मैंने हरा धनिया से. ओ, ये तो बिल्कुल ही तिरंगा दिखने लगा है. अ वेरी कलरफुल, न्यूट्रिशियस एंड डिलिशियस बेसन चीला इज रेडी. और ये डिलिशियस और न्यूट्रिशियस तिरंगा बेसन चीला को फिर मैंने बच्चों को दही के साथ दिया. अ होलसम मील इंडीड. यूं तो मेरे बच्चे सब्जी खाने में बहुत नखरे करते हैं, लेकिन दाल खाना बहुत पसंद करते हैं. इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि दाल पकाते वक्त ही उसमें बारीक कटी हुई सब्जी ऐड कर दूं. इसलिए आज इसमें मैंने बारीक कटी हुई लौकी और बारीक कटा हुआ गाजर ऐड किया.
और फिर इसको हल्दी और नमक के साथ दाल को प्रेशर कुकर में पका लिया। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी या बच्चों की पसंद की कोई और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं बारीक काट कर। अब बारी है इसमें शुद्धगी और जीरा का तड़का देने की। और ये लगा शुद्धगी का तड़का। तो ये सब्जियों की गुणवत्ता और पौष्टिकता से भरपूर दाल तैयार है। शाम के स्नैक्स में मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का पसंदीदा पास्ता। जी हाँ, होल व्हीट पास्ता। इसके लिए मैंने तेल को मध्यम आंच पर गर्म करके उसमें पहले ब्रोकली डाली, फिर ब्रोकली और मशरूम दोनों को स्वाद अनुसार नमक डालकर ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाया। दोनों चीजें बहुत जल्दी पक जाती हैं। इसमें मैंने पहले से बॉयल किया हुआ होल व्हीट पास्ता डालूंगी और साथ में व्हाइट सॉस भी। अगर व्हाइट सॉस की विधि आप जानना चाहें तो किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगी। अब बारी है ऐड करने की पहले से नमक के पानी में बॉयल किया हुआ होल व्हीट पास्ता। यूं तो हम पास्ता और नूडल्स को बहुत अनहेल्दी मानते हैं, लेकिन आपके लिए ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर यही पास्ता या नूडल्स होल व्हीट का लें और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके बनाएं तो बच्चों को निश्चित ही बहुत पसंद आएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ढक के दोबारा पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इच्छा अनुसार चिली फ्लेक्स अगर डालना चाहें, और मिक्स्ड हर्ब्स जो आसानी से किसी भी बड़े ग्रोसरी स्टोर में उपलब्ध हैं। और लीजिए, तैयार है हमारा डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस होल व्हीट पास्ता इन व्हाइट सॉस विद वेजिटेबल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों और सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।